बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 4 फाइनेंशियल अरिथमेटिक। ये है मैथमेटिक्स क्लास 8 का पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। फाइनेंशियल अरिथमेटिक, फाइनेंस से मुराद ये है कि जहाँ पे भी पैसा इन्वॉल्व होगा, मनी, यहाँ पे रुपये का जिक्र आएगा तो वो है फाइनेंस। और अरिथमेटिक जो है ये कैलकुलेशंस, जहाँ पैसे से रिलेटेड आपकी कैलकुलेशंस होंगी वो होगा फाइनेंशियल अरिथमेटिक। ये जो है हम करते हैं फाइनेंशियल अरिथमेटिक का चैप्टर स्टार्ट। इसमें सबसे पहले हमने पढ़ना है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। हमें ये सीखना है ये क्या होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन ये होता है कि अगर एक क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है तो उसके साथ दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है तो ये होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। और इसका उलट भी हो सकता है, अगर एक क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी उसके साथ साथ डिक्रीज हो रही है तो ये भी होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल जो है हम लेते हैं, ये दी हुई है फर्स्ट एग्जांपल कि आपने जो है ना, आपके पास एक सर्टेन अमाउंट है और आपने एग्स परचेज करने हैं। तो इस एग्जाम्पल को हम बेस बना के हम देखते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन कैसे होता है और हम कैसे सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को। फर्स्ट एग्जाम्पल इज इफ़ द प्राइस ऑफ 12 एग्स इज 96। अगर एग्स कितने हैं 12, तो आपको मिलते हैं वो 96 रुपीज़ में, ठीक है। हाउ मेनी एग्स कैन बी बॉट विद रुपीज़ 80। अब आपके पास रुपीज़ 80 रह गए हैं और आपने ये फाइंड करना है कितने एग्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि अगर हमारे पास अमाउंट ज़्यादा है तो ज़्यादा अंडे मिलेंगे, अमाउंट कम है तो कम अंडे मिलेंगे, ठीक है। इफ़ यू हैव मोर मनी यू विल गेट मोर एग्स, इफ़ यू हैव लेस मनी यू विल गेट लेस एग्स, ठीक है। तो इस तरह से अगर पैसे बढ़ रहे हैं तो अंडे भी ज़्यादा हो रहे हैं, अगर पैसे कम हो रहे हैं तो अंडे भी कम हो रहे हैं, तो ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि जो आपने क्या करना है कि इन दोनों साइड पे एरोज लगा देते हैं, आप उनको बेशक डाउनवर्ड लगा दें या अपवर्ड लगा दें, लेकिन एक ही डायरेक्शन में लगाने हैं। अगर आप अपवर्ड लगाएंगे तो ये ऐसे आप लगाएंगे और यहाँ पर भी आप ऐसे अपवर्ड एक ही डायरेक्शन में आप लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एरोज लगा दिए, फिर आपने क्या करना है, इस टेल से शुरू हो जाना है 80 और ये हेड जो है 96 के नीचे आएगा, 80 over 96, ठीक है। जब इसको इस तरफ जाएंगे तो साथ हम इक्वल लिख लेंगे, फिर हमने इस टेल से स्टार्ट होना है, टेल क्या है एक्स और हेड क्या 12 और नीचे आएगा, ठीक है। टेल ओवर हेड इस तरह से हमने कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने एक्स फाइंड करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे करके हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स जो है वो 96 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स विल बी मल्टीप्लाइड विथ 96, इक्वल का साइन ऐसे ही रहेगा। 80 जो है ये 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 80 मल्टीप्लाई बाय 12। नाउ आवर टारगेट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, सो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वी नीड टू शिफ्ट दिस 96 टू अदर साइड। सो व्हेन इट गोज टू द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन, हियर इट वॉज बींग मल्टीप्लाइड, तो ये वहाँ पर जाकर जो है डिवाइड, ठीक है। अब हम इनको जो है ना सिंप्लीफाई करते हैं, 12 ones are 12, 12 8s are 96, 8 ones are 8, 8 10s are 80, सो एक्स इज इक्वल टू 10। एक्स क्या है एग्स, ओके। सो इफ यू हैव 80 रुपीज नाउ यू विल बी एबल टू बाय 10 एग्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड, ठीक है। ये हमने जो है आपको ये बता दिया कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता क्या है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम इसी तरह से हम सीखेंगे कि इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, ठीक है, और जो इनवर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको हमने कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। इनवर्स प्रोपोर्शन ये होता है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो उससे रिलेटेड जो दूसरी क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है, या एक क्वांटिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो दूसरी जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो दोनों जो क्वांटिटीज है वो अपोजिट साइड में मूव कर रही होती हैं, इसको कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। जैसे अगर आप थोड़े मजदूर लगाएंगे तो ज़्यादा दिनों में काम होगा और ज़्यादा मजदूर लगाएंगे तो थोड़े दिनों में काम आपका मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। तो जब मजदूर ज़्यादा होंगे दिन कम हो जाएंगे,
जब मजदूर कम काम करे कम कम होंगे नंबर में तो ज़्यादा दिन लगेंगे, तो ये आपस में डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। मजदूर ज़्यादा होंगे तो दिन कम लगेंगे, मजदूर कम होंगे तो दिन ज़्यादा लगेंगे, ठीक है, कम ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं इसकी एग्जांपल नंबर टू एंड वी विल सी हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू इनवर्स प्रोपोर्शन। एग्जांपल नंबर टू ऑन पेज नंबर 56 सेज 10 मेन हैव रेशन फॉर 21 डेज इन अ कैंप। इसमें नंबर ऑफ मैन दिए गए हैं, ठीक है, और डेज दिए गए हैं कि वो कितने दिन तक वो खाना उनका अवेलेबल है। अगर कैंप में 21 जो है वो सॉरी 10 आदमी होंगे, ठीक है, 10 मैन, तो वो खाना उनका चलेगा 21 डेज तक। एक 3 मैन लीव, 3 आदमी चले गए तो कितने रह गए, 7 रह गए, ठीक है। फॉर हाउ मेनी डेज विल द राशन बी सफिशिएंट फॉर द रिमेनिंग मैन। अब कितने दिन ये खाना चलेगा, ठीक है। तो इसमें क्लियर है कि अगर बंदे ज़्यादा हैं तो जो है वो जल्दी खाना खत्म हो जाएगा, ठीक है, और अगर बंदे कम हैं तो वो खाना देर से खत्म होगा। तो ये हो गया इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है, बंदे ज़्यादा दिन जल्दी खत्म हो जाए, जल्दी दिनों में खत्म हो जाएगा, ठीक है, कम दिनों में, और अगर बंदे कम हो जाए तो वही खाना जो है वो ज़्यादा दिनों तक जो है चलता रहेगा। यह इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स में क्या होता है, इसमें अगर आप इस साइड पर जाएंगे तो इसमें आपने उल्टी साइड पर एरो लगाना है। यह है इनवर्स प्रोपोर्शन का तरीका। तो क्या करना है, यहाँ से टेल से स्टार्ट होता है, ये 7, ये 10 है, ये नीचे डिवाइड आ जाएगा, इक्वल टू लगाएंगे, फिर जो है ना वो टेल से स्टार्ट होना है, टेल क्या है 21 और एक्स से एरो, तो ये ऐसे कर देंगे, ठीक है, टेल टू हेड, टेल ओवर हेड, ठीक है, इक्वल टू। फिर क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स जो है वो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू लगाएंगे, 21 जो है वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमने फाइंड आउट करना है एक्स, एक्स फाइंड करने के लिए हमने 7 को दूसरी साइड पर लेके जाना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था तो उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 7 3 21, 10 3 30, 30 डेज, कि जब आदमी जो कम हो गए 10 से 7 रह गए तो वो जो खाना जो उतना ही जो सेम खाना था वो अब ज़्यादा दिन चला, क्योंकि अब खाने वाले कम हो गए, अब वो कितना देर चला, वो चला 30 डेज तक वो चला, ठीक है। तो इस तरह से ये जो पहली दो एग्जांपल्स हैं हमने ये सॉल्व करके भी बताई, और आपको हमने डेफिनेशन भी बता दी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, ठीक है। आगे चल के हम करेंगे इसमें जो है वो कंपाउंड प्रोपोर्शन करेंगे, था डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। इसके बाद हम सीखेंगे कंपाउंड प्रोपोर्शन के, कंपाउंड प्रोपोर्शन क्या होता है।